आज लगभग हर सियासी पार्टी और उसके नेता सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी रखते हैं, लेकिन बसपा की प्रमुख मायावती इससे दूरी बनाए हुए थी, लेकिन अब वो भी ट्विटर पर आ गई हैं। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल को बुधवार को ही ट्विटर की तरफ से वेरीफाई कर दिया गया और इसके बाद से ही मायावती के फॉलोअर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। मायावती का ये ट्विटर अकाउंट अक्टूबर 2018 में ही बनाया गया था, लेकिन जनवरी तक इस पर कोई ट्वीट नहीं था। 22 जनवरी को मायावती ने पहला ट्वीट किया। मायावती ने लिखा, नमस्कार भाइयों बहनों, पूरे सम्मान के साथ मैं आप सबके समक्ष ट्विटर पर कदम रख रही हूँ, ये मेरा पहला ट्वीट है। सुश्री मायावती मेरा आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है और यहीं से मैं भविष्य में आपसे जुड़ूंगी, धन्यवाद। मायावती ही नहीं, बसपा के किसी भी बड़े नेता का सोशल मीडिया पर न होना उनके समर्थकों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए हैरानी का विषय था। कई बार बीएसपी के नाम से कुछ फर्जी हैंडल्स भी चर्चा में आए, लेकिन पार्टी ने इनका खंडन किया और साफ किया कि इनका बसपा से कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल बुधवार को मायावती का ट्विटर अकाउंट सुश्री मायावती वेरीफाइड हो जाने के बाद बसपा की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर मायावती के ट्विटर अकाउंट के बारे में जानकारी दी गई है। मायावती के फॉलोअर्स की संख्या खबर लिखे जाने तक 14,000 थी, जो हर घंटे हजारों की संख्या में बढ़ रही है। इंद्रप्रस्थ न्यूज की रिपोर्ट।